मकराना शहर के माताबर रोड स्थित वार्ड नंबर 46 में कई सालों से रोड पर गंदा पानी पसरा पड़ा रहता है। उसकी अभी तक किसी भी पार्षद ने सुध नहीं ली। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वार्ड में करीब 4 पार्षद एक साथ हैं। हालांकि अपने अपने लेवल पर पार्षद ने नगर परिषद में इस समस्या की सूचना दी, लेकिन नगर परिषद से अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला। साथ ही वार्ड नंबर 43 के पार्षद सिराज अली ने पानी की लीकेज के लिए कई बार PHD में शिकायत की और लिखित रूप से अवगत करवाया और भेज दिया। उसके बावजूद भी लीकेज दुरुस्त नहीं हुए और रोड पानी से भर जाता है। आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक तरफ तो पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गेसावत व सभापति समरीन भाटी ने लोगों को आश्वस्त किया है कि अब मकराना शहर में विकास होगा, क्योंकि डोर टू डोर कांग्रेस के ही पार्षद बने हैं। यदि इस बार भी मकराना शहर में विकास नहीं हुआ तो समझो कभी नहीं होगा। विकास तो दूर की बात है, जब समस्या का समाधान ही नहीं होगा तो विकास कैसे होगा। इसलिए वार्ड पार्षद पुत्र अब्दुल मनान ने मकराना सभापति समरीन भाटी को अवगत करवाकर सर्वे भी करवाया, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं हुआ। माताबर रोड स्थित वार्ड नंबर 43, 44, 45 और 46 वार्डों में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। वार्ड वासियों का कहना है कि जल्द ही इन वार्डों में समस्या दूर नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने इस वार्ड में सर्वे किया तो इस वार्ड में गंदगी के साथ साथ अतिक्रमण भी नजर आया। इस मार्ग पर करोड़ रुपए की लागत से सड़क ताज़ा बनी हुई है, लेकिन इस सड़क पर गंदा पानी, कीचड़ व अतिक्रमण से होने से वार्ड वासियों में रोष है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ माताबर रोड वार्ड नंबर 43, 44, 45 और 46 में ये जो हालत दिख रही है, यहाँ सड़क तो करोड़ों रुपए की लागत से बनी हुई है, लेकिन पानी की निकासी नहीं होने के कारण सड़क के दोनों ओर गंदगी, कीचड़ नज़र आ रहे हैं। साथ ही कुछ लोग इस पानी को रोकने के लिए अपने प्रतिष्ठानों के बाहर, कारखानों के बाहर ऐसे मलबे डलवा दिए हैं। इसके कारण जो दूसरे दुकानदार हैं वो भी परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एक फॉर्चूनर की दुकान है, यहाँ दुकान मालिक बाहर खड़े हैं, लेकिन इनकी दुकान के सामने ये गंदगी होने के कारण ना ही इन दुकानदारों के पास कोई ग्राहक, कोई बच्चे आते हैं, जबकि इस मार्ग पर कई जगह यही हालत बनी हुई है। माताबर रोड पे ये पानी की भयंकर समस्या बनी हुई है। करोड़ों रुपए लगा के सड़क बनने के बावजूद ही पानी का भराव और खड्डे, कादा, कीचड़, आम नागरिकों इतना परेशानी हो रही है कि हद से ज़्यादा परेशान। करीब करीब मोहल्ले वाले, इनके मेहमान किधर से आए, ये परेशानी है। रोजी रोटी की दुकान वालों के दिक्कत है, जो दुकानें लगा के बैठे हैं उनके किराए कौन आएगा कीचड़ के अंदर। विकास नहीं हो रहा है, ये कीचड़ की समस्या नहीं मिट रही है, पानी की समस्या नहीं मिट रही है, निकाले जा रहे हैं, ये भी समस्या बनी हुई नहीं। एक तरफ तो कहा जा रहा है ना कि कांग्रेस की सरकार आ गई, विकास होगा, आप इसको क्या कहते हैं? बोलने में तो विकास हो गया कह रहे हैं, किंतु धरातल पे विकास अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। ठीक, क्या नाम आपका? जय प्रकाश किरदौली। इसी के चलते आइए वार्ड पार्षद सद्दाम हुसैन से बात करते हैं कि ये जो समस्या है वार्ड वासियों की, इसका कैसे हल होगा, बताएं सर। इसका हल तो सर ऐसे ही होगा कि हमने अभी एक हफ्ते पहले सलाम जी से मीटिंग की थी नगर परिषद में। हमारे दृश्यों की कुछ लड़कियां रोते भी साथ में थी और वो सारी अपनी प्रॉब्लम लेके वहाँ आए थे, तो उन्होंने हमसे 10 दिन का टाइम मांगा था कि हमें 10 दिन दे दो, 10 दिन के अंदर कोई चावंडे से पाइपलाइन आएगी, उसके बाद ये समाधान हम करेंगे। अगर वो समाधान नहीं करेंगे तो हो सकता है तो हम फिर वार्ड एक से गए होकर फिर नगर पालिका में जाएंगे और वहाँ पर उनको बोलेंगे कि आप हमें टाइम बता दो कितने दिन में करेंगे, वरना तो हम वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, तभी इसका सलूशन है। इसके अलावा नहीं है, क्योंकि 5-7 सालों से इनकी कोई सुनने वाला तो था नहीं, तो इन्होंने किसी को कहा नहीं। अब जब समस्या सुनने वाला आता है तो समस्या बढ़ती है और उसको सुनाते हैं, तो उनसे हमारे से ये रिक्वेस्ट है हमारी कि जल्दी से जल्दी समाधान कर दें, क्योंकि एक रास्ता पूरा ब्लॉक पड़ा है, ये वार्ड को नहीं, लगभग जो भी आने जाने सबको समस्या है। पूरे माताबर रोड का कंडीशन कर रखी है कि लोग आ भी नहीं सकते,
एक रास्ता उनको दिख रहा है यहाँ पे, सभापति मोदी कम से कम दो तीन बार आके चली गई, यहाँ देख के भी चली गई, लेकिन समाधान कुछ नहीं हुआ अभी। हमारे उनसे ये एक गुजारिश कि भाई जल्द से जल्द ये समाधान कर दें, क्योंकि हमारे उधर ये पूरी प्रॉब्लम, ये आगे जो ज़मीन खाली पड़ी है यहाँ का पानी वहाँ जा रहा है, उसकी वजह से गरीबों के मकानों को बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, उसके दो तीन मकान फट भी गए हैं, और रोज़ वहाँ पाइपलाइन लगा के ये नगर परिषद वाले वहाँ पानी खाली करते हैं। कोई नगर परिषद की ज़मीन वो है नहीं, कल ने वो जो जिसकी ज़मीन है उसने दीवार करवा ली तो क्या कंडीशन होगी दीवार की। हमें बस सभापति महोदय से एक ही गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये समाधान करें, जो इन गरीबों का कुछ तो निवारण हो, कुछ आने जाने की समस्या दूर हो। मतलब ये देख लो, इस खादे की वजह से उनकी दो वक्त की जो रोटी है वो भी नसीब नहीं हो पा रही, मिस्त्री की कोई आई नहीं रही, मतलब कैसे कमाई करे वो।